प्रदेश के इटावा कलेक्ट्रेट में आज आम आदमी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। लखीमपुर में हुए किसानों की मौत के मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार जब से प्रदेश में आई है तब से किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं। लखीमपुर जैसी घटना पर CBI जांच और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए, चाहे वो मौजूदा सरकार का कोई नेता या मंत्री हो। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा किसानों की मौत का परिवार को मुआवजा दिया जाए और हर परिवार के एक एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। मैं डॉक्टर शिव प्रताप सिंह, प्रदेश महासचिव आम आदमी पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ। इस शांतिपूर्ण धरने का सब मकसद है जो कल केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र जी के बेटे के द्वारा हत्याएं, 8 हत्याओं के जो जिम्मेदार हैं उसके लिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको जो उन्होंने एक जघन्य अपराध किया है किसानों के प्रति, जो शांतिपूर्वक किसान वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, उन प्रदर्शन के लिए उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए और ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जिससे हमारे किसानों को न्याय मिल सके। एक बात मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, माननीय सरकार आए दिन उनके नेता सरकारों के जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपराध पे अपराध करते रहते हैं और हमारी पार्टी या हमारे लोग कहीं पे यदि उसका कोई शांतिपूर्वक शोक या कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें गिरफ्तारियां देनी पड़ती हैं। हमारे माननीय संजय सिंह जी कल सीतापुर जा रहे थे, सीतापुर वाले रास्ते पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मैं सिर्फ एक बात सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी की शोक संवेदना व्यक्त करना भी किसी अपराध की श्रेणी में शामिल होता है या नहीं? अगर वो अपराध की श्रेणी में शामिल होता है तो इसे बताएं कि वो कौन सा अपराध है और किस धारा में। 8 हत्याएं कर देना अपराध है या उसकी शोक संवेदना व्यक्त करना अपराध है? दोनों को सिर्फ इसकी तुलना कर दें और मुझे बता दें। यदि ऐसा ही है तो हम अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक कि इसके खिलाफ हमें न्याय नहीं मिलता है, हमारे किसान भाइयों को न्याय नहीं मिलता है। यदि उन्हें लगता है कि सिर्फ गिरफ्तारी करने से हमारी आवाज़ को दबा लेंगे, गिरफ्तारी करने से यदि वो हमें बंद करा लेंगे तो ठीक है, वो गिरफ्तारी करते रहे, हम गिरफ्तारी देते रहेंगे, लेकिन हमारा धरना, हमारा शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन है वो चलता रहेगा। कहीं पे हमारी पार्टी के द्वारा कोई तोड़फोड़ नहीं हो रही है, कहीं कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन शांतिपूर्वक बैठ के हम अपनी बात तो रख सकते हैं। बार बार किसी भी जगह जाके अगर कहीं भी हमारे व्यक्ति जा रहे हैं, कहीं हमारे साथी जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनको बात अपनी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें हमारा संविधान देता है उससे रोका जाता है। तो सरकार की आंखें एक बार मैं चाहता हूं कि खुलें और समझें कि इस प्रकार की चीज़ों को दबाए जाने से जनता का वो विरोध प्रदर्शन रोक नहीं पाएंगे, ये और दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।